बाहर की दुनिया के तो हालात तो ये हैं कि हम मोदी की पूंज के लिए कभी रो रहे हैं कि मोदी ने अभी तक पूंज क्यों नहीं किया, मैंने इतने मिसकाल दिए हमारा काल क्यों नहीं उठाया, कभी जो बाइडेन की लिए हम रोते हैं। पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है, धज्जियां उड़ा दी इज्जत और वकार की इस कौम के और हमारे सफारती ताल्लुकात की पे कुछ दानिश्वरों ने औरों ने उठा के ये कहा कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मिन्नतें कर रहा है। इन्होंने बयान किस तनाजुर में दिया है, क्यों दिया है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर दिया है और इसी तनाजुर में दिया है तो पाकिस्तान के लिए जग हसाई का सबब बने हैं। जो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बढ़ के मार रहे थे कि मैं किसी को पिज़ाई नहीं दूंगा, मैं किसी को ज़मीनी इजाज़त नहीं दूंगा, हालांकि किसी ने इनसे ना अड्डे मांगे थे, हमारे फोर्सेज वाले कह रहे थे, बाहर कह रहे थे। मैंने इसी टाइम आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये गुस्सा इस वजह पे है कि अभी तक जो बाइडेन का उसको पून नहीं आया। डॉक्टर साहब ब्रेक लगाओ ना, बात सुने ना, ऐसा हमें क्यों बीच में ऐसे लगाड़ के निकल जाए, हमें क्यों रगड़ रहे हैं बीच में। अब ब्रेक लगाए ना डॉक्टर साहब, रुके ना जरा, ब्रेक तो लगाए ना, मैं बात चावल की बात हो रही है सर, मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ आपके कहने से, मैं कोई धक्का स्टार्ट तो नहीं हूँ ना, मुझे धक्का तो लगाना, ना मेरी चाबी से चलता हूँ मैं, खिलौना तो नहीं हूँ। आपने सबसे पहले घबराना। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं। मुईद यूसुफ के एक स्टेटमेंट से, अखबार में उनका एक स्टेटमेंट छपा और वो जो स्टेटमेंट है उसको फिर उठा लिया पूरे पाकिस्तान में मीडिया ने, लोगों ने, खास तौर पर कुछ दानिश्वरों ने औरों ने उठा के ये कहा कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मिन्नतें कर रहा है। स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एडवाइज़र कंप्लेंट्स जो बाइडन हैज़ नॉट कॉल्ड इमरान खान। हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र ने यह शिकवा किया है कि जो बाइडन ने इमरान खान को कॉल नहीं किया। अच्छा, ये एक फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है और ये एक बरतानवी अखबार है। उन्होंने क्लेम किया कि उनके किसी एक नुमाइंदे ने, नुमाइंदे के बारे में खबर के अंदर नहीं लिखा हुआ, उनके किसी एक नुमाइंदे ने बातचीत की मुईद यूसुफ से और उसमें उन्होंने ये शिकवा किया है। इसमें वो सवाल नहीं लिखा गया जिस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की, यानी इसका कोई सियाको सबाक होगा ना, कोई सवाल पूछा गया, सवाल के जवाब में किस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन इस सारे मामले को उठा करके जो बाइडन ने इमरान खान से कॉल नहीं की, इसका शिकवा किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने। पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है, धज्जियाँ उड़ा दी इज्जत और वकार की इस कौम के और हमारे सफारती ताल्लुकात की, तो ये खारजा पॉलिसी की, ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए हैं लोगों के और तनकीद की गई है हुकूमत के ऊपर। इसको आपकी जमात कैसे देख रही है, आपकी क्या इस पर पॉलिसी है कि अमेरिकी सदर की कॉल क्या इतनी बड़ी चीज़ बन गई है, यानी लत्ते तो बहुत लिए गए मुईद यूसुफ के। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कॉल करना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज ये शिकवा बनता ही नहीं है कि ये कहना जनाब कि वो कॉल उन्होंने क्यों नहीं की। फिर अगर इसको दूसरे एंगल से देखें एक तो एक सफारती आदाब भी होते हैं। आप इस तरह की किसी बात का गिला किसी मुल्क से नहीं कर सकते कि हेड ऑफ़ द स्टेट ने कोई आपके हेड ऑफ़ द स्टेट को कॉल नहीं की, चीफ एग्जीक्यूटिव को कॉल नहीं की। तो मुझे तो ये जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुईद साहब, इनका मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है कि उन्होंने बयान किस तनाजुर में दिया है, क्यों दिया है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर दिया है और इसी तनाजुर में दिया है तो पाकिस्तान के लिए जग हसाई का सबब बने हैं। और ये एक बात जहन में रखें कि जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मेरा मुराद अपनी पार्टी से नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, फिर जब सोशल मीडिया के वो कहते हैं ना टाच चीज चढ़ जाती है तो फिर उसको जो ट्रोलिंग जितनी होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। और खुदा का वास्ता मसाइल देखो मुल्क में क्या है यार, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप कितने मुतासर हो रहे हैं और होंगे उससे, लेकिन आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि सिक्योरिटी एडवाइज़र वुड हैव बीन वेरी केयरफुल, इस तरह की स्टेटमेंट देना आपके लिए एम्बैरेसमेंट का सबब बनती है। खूनज़ादा चट्टान साहब, आपकी राय इस पे। जो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बढ़ के मार रहे थे कि मैं किसी को पिज़ाई नहीं दूंगा, मैं किसी को ज़मीनी इजाज़त नहीं दूंगा, हालांकि किसी ने इनसे ना अड्डे मांगे थे, हमारे फोर्सेज वाले कह रहे थे, बाहर कह रहे थे। मैंने इसी टाइम आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये गुस्सा इस वजह पे है कि अभी तक जो बाइडेन का उसको पून नहीं आया, वरना ये सफारती अल्फाज नहीं है जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बगैर किसी वजह के
न इनसे किसी ने आडे मांगे हैं, न इनसे किसी ने पेजाई कोई सपोर्ट मांगा है, और ये खुद ब खुद से बयानात दे रही हैं। तो आज वो सारा सब कुछ सामने आ गया कि वाकई वो जो गैर सफारती अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, जो बढ़ के मार रहे थे, वो सफारती अल्फाज नहीं थे, वो पाकिस्तान का पॉलिसी नहीं था, वो जो था इनका अपना वो गुस्सा था कि अभी तक जो बाइडन का मुझे फोन क्यों नहीं आया। तो ये इस तरह के ब्लंडर्स हमारे वज़ीर-ए-आज़म कई बार कर चुके हैं और हमेशा करते रहते हैं। मैं जो बाइडन के फोन से क्या होगा सर, अखुंदा चट्टान साहब क्या, इमरान खान क्या हासिल करेगा जो बाइडन के फोन से, प्राइम मिनिस्टर क्या मिलेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारी सारी दुनिया के साथ, अमेरिका तो आज दुनिया का वाहिद सुपर ताकत है, लेकिन चाहे इस मुल्क में छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, वो अमेरिका जितना बड़ा मुल्क हो या अफगानिस्तान जितना जंग जद्दा और कहत जद्दा और छोटा सा मुल्क हो, सबके साथ हमने बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखना चाहिए और सबके साथ हमारे राबते होना चाहिए। जो कि हमारा खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, न पड़ोस में हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, न इस्लामी बिरादर ममालिक में हमारे साथ कोई है। बाहर की दुनिया के तो हालात तो ये हैं कि हम मोदी की फोन के लिए कभी रो रहे हैं कि मोदी ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया, मैंने इतने मिस कॉल दिए, हमारा कॉल क्यों नहीं उठाया, कभी जो बाइडन के लिए हम रोते हैं। एक अहम मुल्क है, इस्लामी दुनिया का वाहिद इतनी ताकत है, हम हमारे पास पूज है, हमारे पास सियासत। ये तो दो बार तो मीडिया पे मैंने सुना है कि इमरान खान साहब ने मोदी के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मोदी को टेलीफोन किया और उन्होंने कहा मोदी बात नहीं करेगा? नहीं, मोदी ने किया नहीं, उन्होंने जिस तरीके से दो सरबराहान के दरमियान बातचीत होती है कि फौरन आपस की तरफ से फोन चला जाता है कि फलाने मुल्क का सरबराह आपके मुल्क के सरबराह के साथ बात करना चाहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम देखते हैं, फिर आपको टाइम देते हैं कि किस टाइम पे बातचीत हो सकते हैं। कोई दो मुल्क के सरबराहान इस तरह तो फोन नहीं कर सकते जिस तरह के हम, मैंने फोन उठाया, खान साहब को फोन किया, या खान साहब ने फोन उठा के मुझे फोन किया। तो इस तरीके से दो बार हमारी तरफ से, दो बार तो मुझे पता है कि दो बार कोशिश हुआ है हमारी तरफ से, आप लोगों ने इस पे टॉक शोज किए हैं, इस पे जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं उन्होंने हमें जवाब दिए हैं कि हम क्यों बात करना चाहते थे, लेकिन वहां से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। बिल्कुल जी, दो बार जो है हमारी तरफ से, हमारे पारनापिस की साइड से कोशिश किया गया है कि इमरान खान साहब का मोदी साहब के साथ टेलीफोन पे बातचीत हो जाए, और अगर हो जाए तो ये अच्छी बात है। ये मैं खबर आपसे सुन रहा हूं, दुनिया से लड़ना है, हमने दुनिया से तो लड़ना नहीं है, हमने मुहज़्ज़ब लोगों की तरह दुनिया के साथ बातचीत करके इनके और अपने मसाइल जो है इस तरीके से हल करना है। ये मुहज़्ज़ब दुनिया का तरीका है। जमशेद चीमा साहब, ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी वहां पे जाके बर्तानिया में आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कि जनाब अब बाइडन बात नहीं कर रहे? इससे ज्यादा स्ट्रांग बात क्या हो सकती है? और ये बात करने की, ये तो मोहित यूसुफ बात कर रहे हैं, इस तरह की बात करने की तो नवाज शरीफ में जरूरत नहीं थी, इस तरह की बात करने की तो जरदारी साहब में खुद जरूरत नहीं थी कि इस तरह की बात करते। हमारा जाके आप पहले सिक्योरिटी एडवाइजर ये बात कर रहा है, तो इससे ज्यादा दलेरी से, इससे ज्यादा आप इंडिपेंडेंट, इससे ज्यादा आजाद बात क्या हो सकती है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है। एक मिनट डॉक्टर साहब ब्रेक लगाओ ना, बात सुने ना, ऐसा नहीं है ऐसे लौट के निकल जाए, हमें क्यों रगड़ रहे हैं बीच में? अब ब्रेक लगाए ना डॉक्टर साहब, रुके ना जरा, ब्रेक तो लगाए ना, मैं बात भाई की बात हो रही है भाई। मोहित ने बात ठीक की है, मोहित ने बात गुलामों वाली नहीं की, उसकी ना बाहर जायदाद है ना उसने बाहर गुलामों वाली बात की, उसने 100% बात की है। अब उन्हें पढ़ के सुनाया ना, बात करने दे प्लीज मुझे, ऐसा ना करें, आप इतने स्मार्ट आप नहीं है और इतना ज्ञान मैं नहीं कि आप हंसे मेरी बात पे, बात सुन, मैंने बात सुनी ध्यान से, पढ़े लिखे आदमी है, इस तरह ना करें प्लीज, पढ़े लिखे आदमी है, मुनासिब नहीं है। अच्छा, सो मैं कह रहा था बात की उसने और बड़ी ठीक बात की उसने। सर मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ आपके कहने से, मेरे को धक्का स्टार्ट तो नहीं हूँ ना, मुझे कहते धक्का तो लगाना, ना मेरी चाबी से चलता हूँ मैं, खिलौना तो नहीं हूँ, हाँ ना मैं खिलौना हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात करना दे प्लीज। हाँ, सो मैं बात कर रहा था कि आप कह लें कि मोहित पीरजादा ने बिल्कुल ठीक बात की है, इतनी आज़ादी से बात करना, आज़ाद मुल्क इसी तरह बात करते हैं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ ने इंटरनेशनल मीडियम ने जब से ये बयान दिया है कि
अमेरिका इमरान को फोन क्यों नहीं करता, उसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में कल से हंगामा मचा पड़ा है और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। और पूरे पाकिस्तान में बात चल पड़ी है कि इसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी इज्जत की। और अब तो हाल ये है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जैसे बाढ़ आ गए ट्वीट्स की और रीट्वीट्स की, इससे पता चलता है कि पूरा पाकिस्तान इस समय उबल रहा है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मोईज़ यूसुफ और इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी जो इतने साल में हमने कमाई थी, और इन लोगों ने अमेरिका के पैरों में अपना सर रख दिया है। इससे पता चलता है पाकिस्तान में इस समय क्या माहौल है। पूरी अपोजिशन पार्टियों ने घेर लिया इमरान खान को और मोईज़ यूसुफ को, और साथ ही साथ इतनी बेइज्जती हो रही इन लोगों की कि आप पूछो ही मत। अब तो जो इन्हें सपोर्ट भी करते थे लोग, वो भी इनसे कन्नी काट रहे हैं कि तुमने हमारी क्या इज्जत रख दी दुनिया के सामने। एक तरफ तो तुम ये कह रहे थे हमने हवाई अड्डे नहीं दिए और हमने डायरेक्ट अमेरिका को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद तुम जाके उनके पैरों में पड़ गए। इससे पता चलता है तुम दोगले इंसान हो, तुम्हारा कोई भी एक ठिकाना नहीं है, कभी भी तुम किसी के पैरों में जाके गिर सकते हो। पाकिस्तान के लोग और वहाँ की अपोजिशन पार्टी मिलकर इस समय इमरान खान और मोईज़ यूसुफ के पीछे पड़ गई हैं हाथ धो के, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जवाब दें, क्योंकि एक बार जब मुंह से बयान निकल चुका है तो इसका तोड़ इनके पास है ही नहीं। ये चुपचाप सहमे बैठे हैं और किसी भी तरीके से चाहते हैं ये मुद्दा दब जाए, मगर ओपोजिशन पार्टी ये मुद्दा दबने नहीं देगी, क्योंकि पूरी दुनिया हंस रही है इस समय पाकिस्तान के ऊपर कि किस तरीके का NSA है, जाके खुद ही भीख मांग रहे कि हमें फ़ोन कर लो। इससे पता चलता है इनकी ना कोई इज्जत है ना और इनमें किसी तरीके की समझ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके के बयान दिए जाते हैं। और आगे देखते हैं फ्रेंड पाकिस्तान इस मुसीबत से कैसे निकलता है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।